स्मार्ट बोर्ड होता है वो लगा हुआ है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर फन और मजे के साथ ट्रेनिंग है। यहाँ पर रहने वाले लोग जो खाली टाइम में फ्री वाई फाई इनके लिए इतना बता दिए कि सोच रहे कि कुछ मिले पूछने के लिए। और इस तरह का माहौल और इस तरह का रहने का खाने का पीने का शायद ही कहीं होगा। मैं सजा लिया है, तैयार है अभी खाना। सर ये रायता है क्या? स्मार्ट बोर्ड होता है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों ये क्लासरूम है, इसमें बैठकर सभी पढ़ाई करते हैं और ये चेयर लगी हुई है सभी के लिए, ऊपर फैन लगे हुए हैं और ये पढ़ाने के लिए ऊपर लगा हुआ है। और इधर ये डिजिटल जो बोर्ड होता है और इधर ये व्हाइट बोर्ड पर कुछ चीज़ें अगर लिख के पढ़ानी हो तो इससे पढ़ाते हैं हम, ठीक है। ऊपर ये ट्रेनिंग का तो टाइम वगैरह वो लिखा हुआ है सब कुछ। पीछे की तरफ भी खाली जगह है, यहाँ पर ये कांच लगा हुआ है, इसमें ऐसे मत सोचना पैकिंग है। और ये क्लासरूम है और इधर ये अपने ये नेपियर लगा हुआ है और उस साइड में अपना शेड है, ठीक है। और उधर आगे की तरफ है वो अभी खाने की तैयारी चल रही है, खाना लगाया जा रहा है सबके लिए, यहाँ खाना खाएंगे। और ये अपनी किचन है, किचन के अंदर खाना पीना यहाँ पर चलता रहता है, अपने कुक लगे हुए हैं। और यहीं पर अपना लेट बाथ है, टॉयलेट है वो उसके पास में है। और इससे इस तरफ आते हैं तो अपनी ये ऑफिस है, ये ऑफिस है और ऑफिस में रहमान भाई वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर। और ये अपनी ऑफिस है और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं अपने पूरे फार्म में और पूरा वाईफाई है ऑफिस में भी वाईफाई है। और उसके ऊपर जो अपना स्लीपिंग कक्ष है वो भी आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपको स्लीपिंग कक्ष है वो दिखाते हैं। कुछ आने वाले लोग हुक्का पी रहे हैं तो हुक्के की व्यवस्था है और ये ऊपर चढ़ने के लिए अपने स्लीपिंग कक्ष है। नमस्कार सर, कैसे हो? रोकड़े जी कैसे हो? बस सर बढ़िया सर, बस थोड़ा ब्लॉग चल रहा है। बहुत आनंद आया सर। ये ऊपर स्लीपिंग कक्ष है, सभी लोग है वो अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं जो सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया था। तो यहाँ पर हिम्मत सर के लिए ऑल आउट लगी हुई है, इसमें भी फैन की सब चीजों की व्यवस्था है और गद्दा भी है वो मुलायम है। दोस्तों ये 3 इंची गद्दा है जो काफी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है वो। और पिल्लो है वो भी शानदार है, फ्लेक्सिबल पिल्लो है। और ये रजाइयाँ रखी हुई हैं जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की रजाइयाँ हैं, ये कवर लगे हुए हैं उसके ऊपर, इसके अंदर पूरी न्यू रजाइयाँ हैं। और ये अपना वाईफाई लगा हुआ है जहाँ यहाँ पर रहने वाले लोग जो खाली टाइम में फ्री वाईफाई इनके लिए। और ये एक चीज़ और भी बढ़िया शानदार दोस्तों, देखो सभी बेड के ऊपर चार्जिंग पॉइंट है और वो भी इन्वर्टर वाले चार्जिंग पॉइंट है। सामान वगैरह रखने के लिए ऊपर हैंगर लगे हुए हैं सबके, तो अपने कपड़े सामान वगैरह सब कुछ रख सकते हो इसमें। और इधर ये ओपन एरिया है हवा आने के लिए, धूप वगैरह धूप आने के लिए, हवा आने के लिए की बढ़िया तरीके से ऊपर बनाया हुआ है। काफी बड़ा जंगला है, ठीक है, खिड़की बनाई हुई है। और ये सभी लोग अपनी अपनी अभी पैकिंग कर रहे हैं और खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद कुछ लोग अभी जाएंगे और कुछ लोग है वो शाम को जाएंगे। राजगढ़ को मेरा सलाम कहना, ठीक है, एमपी राजगढ़ को। आपसे कल कॉल आया था एमपी राजगढ़ से, कुछ भाई और आने वाले हैं अपने अगले बेंच में, जरूर जरूर आएंगे। रोकड़े जी कुछ उधार में भी भेज देना हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अपना इधर सेट बना हुआ, ये एक पहला सेट है और उसके पीछे दूसरा सेट। अभी हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो गई हैं तो अपने आगे जो चारों ओर इसका त्रिपाल लगाने का काम है वो भी चल रहा है, वर्कर लगे हुए। और वो उधर अपनी नेपियर की जो फसल है वो लगी हुई है, ये अभी चर्चा चल रही है किसानों के साथ बैठे हुए लोग। ये कुछ बचा हुआ सामान है, नेपियर कलम वगैरह। खाना चल रहा है क्या? ले चलो ले चलो भाई, खाना ले चलो। हाँ रिव्यू तो पहले हो गया था। देखते हैं खाने में क्या क्या चल रहा है। ये हरी मिर्च है शायद, है ना, बनाई हुई हरी मिर्च है, वो जीरा डाल के ना रोस्ट की हुई हरी मिर्च पकाई हुई। ये चावल है और ये सलाद आई अभी,
सलाद में खीरे हैं, प्याज है और मूली है, टमाटर है और नींबू है, और ये दाल है, हाँ ये दाल है, और इधर ये लहसुन की चटनी है, और अभी रोटियां आई, सभी लोग यहाँ पर बैठकर खाएंगे। थोड़ा सा व्लॉग बना रहे हैं सर, अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अभी मतलब अपने क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, घूम के एक एक चीज नहीं दिखाई अभी तक हमने, तो वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ नेपीर के पास बैठ के सभी लोग है वो खाना खाएंगे, लोग आराम कर रहे हैं, अपने जो बुजुर्ग किसान आए हुए हैंडसम। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कैसा लगा अपना व्यवस्था, सारी चीजें सब कुछ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बढ़िया लगा। बिल्कुल बिल्कुल, शायद ही कहीं होगा इसकी मतलब इतनी हम लोग तारीफ करें उतनी कम है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा निसार भाई कि शांति निकेतन कभी स्कूल में सुना ही था। अच्छा अच्छा, क्या होता है यहाँ आके एक्सपीरियंस कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आके एक्सपीरियंस कर लिया कि शांति निकेतन क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ट्रेनिंग के साथ फन करेंगे या मजा करेंगे, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर फन और मजे के साथ ट्रेनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पता ही नहीं चल रहा है, मतलब पिकनिक की पिकनिक है और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है। कभी बोर हुए सर? जरा भी नहीं सर, जरा भी नहीं। तो आप जैसे ट्रेनिंग के अलावा जो खाली टाइम होता है उसमें क्या करते हो? उसमें सर मैं बताऊं आपको, जैसे थ्योरी क्लासेस होती है मॉर्निंग की, ढाई से तीन घंटा, ठीक है। तो उसमें तो जैसे सर का फ्लो रहता है समझाने का, फिर भी बीच बीच में पूछ लेते हैं तो जवाब देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर जो चौपाल लगती है, जितने भी सवाल है आपके, जितने भी और जैसी भी सवाल हो आप पूछो, निसार भाई हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। हाँ, कुछ भी दिल में मत रखना, यहाँ आने के बाद कुछ भी दिल में मत रखना, आप जो आपकी इच्छा वो पूछ सकते हो आप। और चौपाल कब लगती है अपनी? चौपाल तो दो से तीन बार लग जाती है सर, दो से तीन बार, दो से तीन बार लग जाती है। हाँ, घंटे की शाम को जो लगती है वो तो लंबी चलती है। चाय पे चौपाल लगती है, रात को 11 भी बज जाते हैं कई बार, है ना, 11 बज जाते हैं। चाय पे लग जाती है, खाने के पहले लग जाती है, डिनर के पहले और डिनर के बाद, और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि साथ में हुक्के भी चलते हैं। हाँ सर, क्या हरियाणा नजदीक है ना, कुछ लोग हरियाणा से आते हैं। बढ़िया माहौल अपने यहाँ, ये एरिया है ना, इसमें हुक्का है ना, हुक्के की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत बढ़िया माहौल। फार्म और फार्म पर हुक्का ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता। मैं तो ये बोलूंगा इसमें जितने भी हम डाइट ट्रेनिंग के लिए और कम से कम 20-25 आदमी हम लोग थे, पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को सवाल नहीं मिल रहे कि अब क्या पूछें, इतना बता दिए कि सोच रहे कि कुछ मिले पूछने के लिए, मगर इतना आपने पहले से बता दिया कि हम लोग सोच सोच के सवाल नहीं मिल रहे हमको, इससे आज कुछ पूछने बचा नहीं, इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते। पहले दिन आए थे तो इनके सवालों की जड़ी ली गई, मैंने ये बोला था इनको कि जाते समय आपके पास सवाल पूरे खाली होंगे, रिपीट कर सकते हो सवालों को, बाकी सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। बिल्कुल, एक चीज मैं और बोलूंगा कि जो कल रोकड़ी जी ने कहा है, बराबर है, मैं उसका बैकअप करूंगा, सेकंड करूंगा कि यहाँ पर जो है निसार भाई तो है ही है, लेकिन उनके साथ जो तीन पीढ़ी जो बोले थे रोकड़े साहब ने कि उनके फादर मदर और उनके बच्चे और साथ में उनके बड़े भाई जब्बार भाई, रहमान भाई, रिजवान, ओके, जो फैमिली के मतलब एक घर की तरीके से उन्होंने ख्याल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त। और जो भी इस कोर्स की फीस है ओके, उसका तो हम दुगना लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, दुगना लेके जा रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर घर जैसा माहौल है, और आपको 5 दिन कब पड़ जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया व्यवहार, सबका प्रेम लगाओ। रोकड़े जी ने बहुत सारे आयुर्वेदिक टिप भी दिए। हाँ सर, सबको मेंटेन करना सिखा दिया, कैसे खाना है कैसे नहीं, क्या खाना है क्या नहीं, खुद भी मेंटेन। वो पैर पर वो स्लिप होने से हुआ था। चलिए ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल क्वेश्चन हमको अब क्या पूछे वो बिल्कुल खत्म हो चुका है कि मतलब आज हम क्या पूछे क्या करें। बिल्कुल सर, अच्छा, अपना खाना है वो तैयार हो गया, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है सर। रघुवर जी, जो आपके दोस्त है मुकेश जी, जो मुकेश जी है आपके दोस्त, जिन्होंने आपका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम किया, बिल्कुल वो वहाँ तक सीमित नहीं है, हम पहले दिन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि वो खाना खाने की टाइम, नाश्ते की टाइम, सुबह शाम वो इतनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे हम बहुत प्रभावित हुए कि दोस्ती हो तो ऐसी हो।
अरे सर, कोई भी काम होता है ना तो ऐसा नहीं कि जो काम खत्म हो गया तो रिश्ता खत्म हो गया, नहीं। हमारे है ना यहाँ पर कोई भी वर्कर आता है तो बस यहाँ का ही होकर रह जाता है सर। ये बहुत अच्छी बात है, ये व्यवहार पर डिपेंड करता है सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बिल्कुल रघुवीर जी, बिल्कुल। खाना खा जी, आप खाना डाल लिया, देखो प्लेट में सजा लिया है, तैयार है अभी खाना। सर ये रायता है क्या? रायता है, लहसुन की चटनी है, अचार है, दाल है, सलाद है, हरी मिर्च का अलग से अचार है, रोटियां हैं। सर का खाना और बिल्कुल सात्विक है सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल घर जैसा खाना है। और इतने दिन हमने खाना खाया, घर की याद नहीं आई। बिल्कुल खाना, क्या चीज? आप लोग टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड कैसे? अरे सर क्या करें, 15 दिन में फिर अगले वाले भी वेट करते रहेंगे ना। दिन में सवाल अपने खत्म हो गए, 15 दिन में क्या करेंगे, क्या करेंगे? 4 दिन में कुछ नया सीखने को। ये ना सोच समझ के हमने 5 दिन रखा था, घर वाले पहचानेंगे नहीं 15 दिन रख लिया ना। सर हम लोग साल में 2 बार आएंगे पक्का कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल 4-5 दिन के अंदर कहीं कहीं तो 2 दिन में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर सही तरीके से अपनी ट्रेनिंग भी तो दिन में कितनी कितनी बार चली है अपनी क्लास के अलावा, बहुत सारा मतलब उसमें होता था। क्लास ही देते वो 1 घंटे का 1.5 घंटे, हाँ तो चाहे 15 दिन लगाओ क्या फायदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सारे सवाल खत्म हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कीजिए सर खाना, भोजन कीजिए।